परफॉर्मेंस क्लासेस में हूँ तबिता और आज की ये वीडियो हमारे अकाउंट सब्जेक्ट की है। अकाउंट सब्जेक्ट में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारा सबसे चैप्टर नंबर 1 है कंपनीज बुक का उसको कवर करने वाले हैं, क्योंकि ये चैप्टर थ्योरेटिकल है और इसमें से भी 1 मार्क के क्वेश्चन आ जाते हैं और बुक में हमें समझ नहीं आता कि हम क्या क्या पढ़ें। सो आज की इस वीडियो में हम 7 पढ़ने वाले हैं इस थ्योरेटिकल चैप्टर को, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, सारे आपके थ्योरेटिकल कंसेप्ट इस चैप्टर के क्लियर होने वाले गाइस। तो स्टार्ट करते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 4 चीज़ें इंक्लूड करी जाती है, जिसमें सबसे पहले आपकी बैलेंस शीट आती है, देन आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, देन आपका नोट्स टू अकाउंट आता है, उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट। यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, नोट्स टू अकाउंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं उसके क्या फीचर्स हैं, तो सबसे पहले ये रिलेट करते हैं हमारे पास्ट पीरियड से। तो फर्स्ट दे रिलेट टू अ पास्ट पीरियड, दे आर एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म, हमेशा पैसों में हम इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। दे शो अ फाइनेंशियल पोजीशन, इसमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन शो होती है। इसके बाद गाइस आते हैं हमारा नेचर क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वो कैसी होती है, किन किन चीज़ों से भरी होती है। तो सबसे पहले ये रिकॉर्डेड फैक्ट, यानी कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें सारे रिकॉर्डेड फैक्ट हैं जो कि हमने लेजर से उठाकर उसमें डाले हैं। सेकंड कन्वेंशंस, यानी कि ये जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये काफ़ी सारे कन्वेंशंस पर बेस्ड है, यानी कि एजम्पशंस पर बेस्ड है। अगर आपने देखा हो तो प्रूडेंस प्रिंसिपल, जिसमें हम ये सोच कर चलते हैं कि भाई लॉस को पहले प्रिडिक्ट करेंगे, ठीक है, लॉस को हम अपने बिजनेस में पहले से लेके चलते हैं। सो ये कन्वेंशंस पर बेस्ड हैं। सेकेंड कंसेप्ट पर बेस्ड हैं, कंसेप्ट कैसा, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, जो कि हम 11 से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई बिजनेस लगातार चलता रहेगा जब भी स्टार्ट किया जाता है, तो हमेशा ये सोच कर स्टार्ट किया जाता है कि हमारा बिजनेस तो लगातार चलता रहेगा। सो हमारे कंसेप्ट पर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमने पढ़े हैं ना कैश फ्लो का, इन सब का, कि अपने फॉर्मेट को ये फॉलो करता है, ठीक है। स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं कि भाई जो हमें स्टैंडर्ड्स बता दिए उसके तहत हमें काम करना है, उसके अकॉर्डिंगली काम करना है। सो हमारी ये जो स्टेटमेंट्स होगी ये प्रॉपर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होती है। इसके बाद है सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़, इसमें हम पॉलिसीज़ को कंसिडर करते हैं। कैसी पॉलिसीज़ गाइस, जैसे हम कैश बेसिस पर काम करने वाले हैं, हम एक्रूअल बेसिस पर काम करने वाले हैं, या फिर हम अपने डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड चूज़ करने वाले हैं, रिटर्न डाउन या स्ट्रेट लाइन मेथड, तो ये डिसीजन है। इसके बाद है एस्टिमेट्स पे भी बेस्ड होती है, जिसमें हम एस्टिमेट्स लगाते हैं, लाइक हमारे जो भी डेप्रिसिएशन हम एसेट पर लगाने वाले हैं, ये एसेट की लाइफ कितनी है हमें एक्चुअल में पता नहीं होता, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि 10 साल तक चलेगा, 15 साल तक चलेगा, तो एस्टिमेशन। उसके बाद है सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एक सोर्स होती है हमें, जो बिज़नेस की पूरी फाइनेंशियल डेटा को प्रोवाइड कराती है, ठीक है। सो ये चीज़ें क्या कहते हैं हमारे नेचर में आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं गाइस, जिसमें हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, क्यों ज़रूरत है भाई। तो सबसे पहला है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल डेटा ऑन इकनॉमिक रिसोर्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ एन एंटरप्राइज, ताकि हम जो हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन है एक कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कि भाई हमें टैक्स भरना है, ये सब तो हमें ये बनाना पड़ता है। फाइनेंशियल डेटा ऑन इकनॉमिक रिसोर्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ एन एंटरप्राइज टू शो इम्प्लीकेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑन दी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज, यानी कि हम ये भी दिखाते हैं कि इस साल हमने कितना प्रॉफिट कमाया और हमारी उसकी उससे फाइनेंशियल पोजीशन पर क्या फ़र्क पड़ा है। हम प्रेजेंट करते हैं ट्रू एंड अ फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस, अपने बिजनेस की एक न्यू पिक्चर प्रेजेंट करते हैं जो कि सच्ची है, ट्रू एंड अ फेयर। सो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, इसलिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो टू इन्वेस्टर, हमें अपने इन्वेस्टर्स को, अपने क्रेडिटर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी होती है, सो वो एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाती है। तो इसके और भी बहुत सारे हैं, क्योंकि ये 1 मार्कर में कई बार पूछ लिए जाते हैं गाइस, इसलिए इसको अच्छे तरीके से रीड करना है। इसके बाद आता है गाइस कि कौन कौन सी पार्टीज है जो इसमें इंटरेस्टेड होती है। सो देखो ये चीज़ हमने 11th में भी पढ़ी थी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स के बारे में। इंटरनल यूजर्स सिर्फ 3 होते हैं। फर्स्ट वन इज़ दी ऑनर, दैट इज़ दी शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, वो इंटरेस्टेड है भाई बिजनेस कैसा चल रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है या नहीं कमा रहा। सेकेंड हमारा मैनेजमेंट, हमारे एमडी, हमारे सीईओ वगैरह ये सब इंटरेस्टेड होते हैं कि बिजनेस सही चल रहा है या नहीं चल रहा। उसके बाद थर्ड हमारे एम्प्लॉयज़ जो उस बिज़नेस को चला रहे हैं, एक्चुअल में वर्क कर रहे हैं, सो वो भी इंटरेस्टेड होते हैं कि भाई हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं ये घाटे में तो नहीं जा रही है। सो दे आर दी इंटरनल यूजर्स, और वो तीन हैं। सबसे पहले ऑनर आते हैं, फिर उनको चलाने वाले मैनेजमेंट एंड दी एक्चुअल वर्कर एम्प्लॉई, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल यूजर्स में काफ़ी सारे हैं जिसमें गवर्नमेंट आ जाता है आपका, जो कि बहुत ज़्यादा इच्छुक रहता है इन्फॉर्मेशंस में क्योंकि टैक्स लेना होता है उसने। उसके बाद बैंक्स हैं क्योंकि उन्होंने लोन प्रोवाइड करना होता है। इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर्स आपके बिजनेस में इंटरेस्ट ले रहे हैं कि इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड। उसके बाद है आपके क्रेडिटर्स जिन्होंने आपको उधार पर पैसा दे रखा है। एंड देन दी सेबी दैट इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये भी इंटरेस्टेड रहते हैं। सो ये लोग वो हैं एक्सटर्नल यूजर्स जो इंटरेस्टेड हैं। इसके बाद क्या क्या कमियां हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिलती है। सो फर्स्ट वन इज हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, ये सारा हिस्ट्री का डाटा है, जबकि हमारे शेयर होल्डर्स आगे के बारे में जानना चाहते हैं और ये हमें सारा पिछले साल का डाटा देता है। सो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एक कमी है। सेकेंड, अफेक्टेड बाय एस्टिमेट, क्योंकि हम इसमें काफ़ी चीज़ें एस्टिमेट करते हैं और कई बार वो गलत हो जाती है, सो बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स हैं। डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, हम कई बार डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड चूज़ करते हैं तो प्रॉफिट पे बहुत फ़र्क पड़ जाता है, कई बार किसी से प्रॉफिट कम होने लग जाता है तो ज़्यादा। सो हमारे डिफरेंट अकाउंटिंग जो भी प्रैक्टिसेस हम यूज़ कर रहे हैं ये भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट करती है। कोई बिजनेस कोई वाला यूज़ कर रहा है, कोई बिजनेस कोई वाला। उसके बाद एक क्वालिटेटिव एलिमेंट्स आर इग्नोर्ड, इसमें बिजनेस कितना अच्छा काम कर रहा है, कैसा अच्छा प्रोडक्ट बना रहा है, मार्केट वैल्यू क्या है, इन सबको इग्नोर करके चलता है। उसके बाद है प्राइस लेवल चेंज, प्राइस लेवल चेंज को हम इग्नोर कर देते हैं कि महंगाई क्या हुई है, हम सिर्फ प्रॉफिट कंपेयर करते हैं। पहले 1 लाख था, आज 1.5 लाख है, तो यानी कि हमने ज़्यादा पैसा कमा लिया, बट हम इग्नोर कर देते हैं कि यार महंगाई भी तो बढ़ी है। उसके बाद कैन नॉट मीट दी पर्पज़ ऑफ ऑल पार्टीज़, इससे सब पार्टीज़ का पर्पज़ कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। एग्रीगेट इन्फॉर्मेशन, ये एक एग्रीगेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो मे बी सबकी सब चीज़ों को कंप्लीट नहीं कर पाता है। अगर हमें हर एक चीज़ की अलग अलग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो चीज़ कंप्लीट नहीं हो पाती इसमें। सो गाइज, ये था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी का थियोरटिकल पार्ट। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें एंड अपने डाउट आप मेरे से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।